हेलो एवरीवन मैं आरती वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में चलिए फिर शुरू करते हैं यूट्रोफिकेशन जो है ये प्रोसेस होता है जो वाटर बॉडी के अंदर होता है वाटर बॉडी क्या हो सकती है लेक्स रिवर्स पॉन्ड्स इन वाटर बॉडीज के अंदर यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है लेक एक तालाब की नेजिंग क्यों होती है, का मतलब होता है जब उस वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रंट की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है यूट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है वो काफी स्लो रहता है दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हेल्थी इकोसिस्टम ऑफ अ लेक उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए हमें मोस्टली पता है प्लांट्स को वाटर की जरूरत है ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए उन्हें खाना बनाने के लिए ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन प्लांट्स को अलग अलग वैरायटी के न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है ग्रो करने के लिए मेनली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस यूजुअली जो है प्लांट्स अपनी सभी न्यूट्रिएंट्स को सोइल से लेते हैं अगर सॉइल की कंडीशंस खराब हो जाती है ड्यू टू सॉइल इरोजन या फिर देन फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं दे यूज फर्टिलाइजर नाउ फर्टिलाइजर्स जो है ये एनरिच्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स में मेनली द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो एक प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है जिस वजह से जो है soil की क्वालिटी जो है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाती है ड्यू टू द यूसेज ऑफ द फर्टिलाइजर्स इन दै जब फार्मर जो है एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो सॉइल की कंडीशन जो है अब सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स साल भर तक तो नहीं रहेंगे दे विल नॉट स्टे गो नॉयल फॉर इयर्स मोस्टली न्यूट्रिय जो है वो दे गेट कैरिड अवे बाय द रेन रेन के साथ बह जाएंगे इरिगेशन के टाइम पे दूसरी वाटर बॉडीज के अंदर जो है ये एंटर कर जाएंगे देन दे दीज न्यूट्रिय एंड फॉस्फोरस दे गेट मिक्स विद द वॉटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स रिवर्स एंड लेक्स के अंदर जाके मिक्स हो जाएंगे

न्यूट्रिएंट्स हैं वो एल्गा का फूड होते हैं अब एल्गे जो है वो खाएंगे ग्रो करेंगे अच्छे से रिप्रोड्यूस करेंगे और वाटर बॉडी के ऊपर एक थिक ग्रीन ब्लूम बना लेंगे जो कि पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है अब ये एल्गल ब्लूम जो है सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लेक के बॉटम तक सनलाइट को पहुँचने ही नहीं देंगे जिसकी वजह से जो बॉटम में जो लेक के बॉटम में जो प्लांट्स हैं एलगे हैं दे विल स्टार्ट डाई वो मरना शुरू हो जाएंगे बिकॉज़ प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर फोटोसिंथेसिस सनलाइट चाहिए उन्हें अपना खाना बनाने के लिए अगर सनलाइट प्लांट्स तक नहीं पहुंचेंगी तो वो मरना शुरू कर देंगे नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया जो है दे विल स्टार्ट ब्रेक डाउन द जो भी डेड प्लांट्स हैं एलगे हैं वाटर बॉडी के अंदर उनको जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे जैसे ही वो ब्रेक डाउन करेंगे उसकी वजह से जो, जो है ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फिर से एक वाटर बॉडी के अंदर रिलीज हो जाएंगे जिसकी वजह से फिर से एलगल ब्लूम साइकिल कॉन्टिन्यू हो जाएगी जैसे ही एल्गल ब्लूम साइकिल कॉन्टिन्यू हो जाएगी जो बैक, जो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे फॉर देयर ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और अपनी ग्रोथ करने के लिए बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे जिसकी वजह से एक लेक के अंदर या फिर एक पॉन्ड या फिर वाटर बॉडी के अंदर वाटर ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाएगी और इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिक कंडीशन जब एक वाटर बॉडी एनॉक्सिक कंडीशन में आ जाती है तो सारे के सारे जो नॉन बैक्टीरियल लाइफ है जैसे कि फिश है एनिमल्स है ऑक्सीजन की कमी हो गई है वाटर बॉडी के अंदर सारे जो बैक्टीरिया उन्होंने उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया है अपनी ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन के लिए अब जो नॉन बैक्टीरियल लाइफ है फिशेज है एनिमल्स है वो मरना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर जिसकी वजह से जो है यूट्रिफिकेशन हो जाएगा यानी कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रेंट जो है वाटर बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे और एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन कर देंगे जिसकी वजह से सनलाइट कट ऑफ हो जाएगी और प्लांट्स एंड एन एनिमल्स जो है मरना शुरू हो जाएंगे नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो वाटर बॉडी जो है अब यूट्रोफिकेशन होगा एक वाटर बॉडी के अंदर अब उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर अब कितने न्यूट्रिय लीक हुए हैं वाटर बॉडी के अंदर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है अब वाटर बॉडी छोटी है या बड़ी है उस पर भी डिपेंड करता है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उस लेक या फिर पॉन्ट के अंदर प्रेजेंट है इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक वाटर बॉडी यूट्रिफिकेशन होने के बाद कितना टाइम लेगी रिकवर करने के लिए अब यूट्रोफिकेशन की वजह से जो है जो नेटिव स्पीशीज हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, दे गेट सप्रेस और न्यू या फिर एलियन या फिर हम कह सकते हैं स्पीशीज दे विल स्टार्ट ग्रोइंग जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बेलेंस हो जाता है अगर यूट्रोफिकेशन ओशंस के अंदर होता है तो उस वजह से जो है ऑक्स एक ओशन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है ओशंस में जो कॉरल रीफ होते हैं दे दे विल स्टार्ट ब्लीचिंग एंड इवन वो मर भी जाते हैं जिसकी वजह से एक बहुत सारे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज होता है इकोसिस्टम को डैमेज होने के कारण एक इकोसिस्टम की जो बायोडायवर्सिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है दिस इज हाउ द यूट्रिफिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos.